दोस्तों आपका स्वागत करते हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको आज की जो वीडियो है बहुत शौक करने वाली वीडियो है। सिद्धार्थ शुक्ला जो कि जाना पहचाना नाम है, टीवी इंडस्ट्री में बहुत नाम छाया था और बहुत सारे टीवी सीरियल किए हैं उन्होंने। आप चाहो तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जिसमें से बालिका वधु एक नाटक था जो कि बहुत फेमस हुआ था। और सिद्धार्थ शुक्ला ने एक हम्प्टी डम्प्टी की दुल्हनिया एक फिल्म की थी बॉलीवुड की, जो वरुण धवन के साथ और आलिया भट्ट के साथ में की थी, तो उसमें भी बहुत अच्छा रोल निभाया था सिद्धार्थ शुक्ला ने। इसके अलावा बिग बॉस 13 में उन्होंने देखा था और बिग बॉस 14 में उन्होंने होस्ट किया था एक हफ्ता तक। तो बिग बॉस 13 के जो विनर थे सिद्धार्थ शुक्ला, वो हाल फिलहाल में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई है और हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि उनके हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कोई भी रीज़न ऐसा पता नहीं चल पा रहा है कि क्या कारण होगा और किस कारण से सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को छोड़कर हमें गए हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अचानक से एकदम से शॉक कर देते हैं और पूरी इंडस्ट्री में मातम से छाया जाता है। सिद्धार्थ शुक्ला वैसे बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, शहनाज गिल के साथ उनके बहुत सारे संबंध, बहुत अच्छे संबंध थे, जो कि पंजाब की इंडस्ट्री की बहुत अच्छी हीरोइन है शहनाज गिल, और बिग बॉस 13 में भी आपने उन्हें देखा होगा। और सिद्धार्थ शुक्ला की जो न्यूज़ है मैं पढ़कर इंस्टाग्राम पर बहुत ही शॉक रह गया। उनकी जो लास्ट पोस्ट थी इंस्टाग्राम की वो ये थी कि पैरामिट की जो अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं उसमें उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट को बधाई दी थी और उसकी लास्ट पोस्ट थी, उसके बाद की कोई पोस्ट उनकी नहीं दिखाई दी। और अभी हॉस्पिटल में एकदम से तुरंत जब मैंने देखा न्यूज़ आई है सिद्धार्थ शुक्ला की कि वो नहीं रहे हैं, तो मैं शॉक रह गया। उसके बाद मैंने बहुत सारी स्थिति रिसर्च की, देखा कि सच में ये न्यूज़ वाकई में सच है। और सिद्धार्थ शुक्ला तो बहुत अच्छी जान पहचान की पर्सनैलिटी के साथ साथ इनके बहुत अच्छे एक्टर भी थे। 40 साल उनकी उम्र थी और 2008 में समथिंग उन्होंने डेब्यू किया था फिल्म लाइन में, तो टीवी इंडस्ट्री में छोटे पर्दे के नाम से बहुत मशहूर थे सिद्धार्थ शुक्ला। मैं आपको थोड़ी सी उसके बारे में बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स देखी है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 12 दिसंबर 1980 को उनका जन्म हुआ था और उसके बाद 2 सितंबर 2021 में वो हम लोगों को तो छोड़कर चले गए। अभी हाल फिलहाल में एक उनकी वेब सीरीज आई थी जो कि थी MX प्लेयर और ALT पर चली थी, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3। कोई खास कमाल तो नहीं कर पाई लेकिन हाँ बहुत अच्छी वेब सीरीज थी। और इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने टीवी सीरियल्स किए, बाबुल कांगना, छोटे, जीने पहचाने ये नाम, आहट, लव यू जिंदगी, CID में भी उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया था। CID में उन्होंने जो विलन का रोल किया था, CID में उन्होंने जो CID की टीम होती उन पर गोली चलाई थी। तो बालिका वधु और झलक दिखला जा 6, सावधान इंडिया, इंडियाज गोट टैलेंट और फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी, इंडियाज गोट टैलेंट 7, इसके अलावा दिल से दिल तक, बिग बॉस 13 और बिग बॉस 14, ठीक है। इसके अलावा एक पॉकेट उम्मीद, लव यू नाम मिले जोड़ी, मिला दे हम सब, गीत हुई, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने किए थे और बहुत अच्छा नाम था। और अभी हाल फिलहाल में उनकी एक एल्बम निकली थी सोना सोना, और इससे पहले उन्होंने रेशमा का रुमाल, भुला दूंगा, दिल का गार गया, बहुत सारे ऐसे उन्होंने काम किए हैं और इंडस्ट्री में वो बहुत आगे जाने वाले थे। उनका एक प्लान था कि अभी हाल फिलहाल में बहुत जल्द वो डेब्यू करेंगे बॉलीवुड में, लेकिन बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले ये ऐसा क्या हुआ, ऐसा उनके साथ क्या हुआ कि उनको हार्ट अटैक आया, ऐसा क्या गम था या ऐसी क्या खुशी थी हार्ट अटैक आने की, तो ये डॉक्टर ही बता पाएंगे। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है सिद्धार्थ शुक्ला के लिए। क्या आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सिद्धार्थ शुक्ला की जो प्यार है वो बताओ, लोगों को यहाँ पे दिखाएं, अपना कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को देखकर सिद्धार्थ शुक्ला को एक बार 2 मिनट के लिए शांति का मौन धारण करके उनको भगवान से उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मा के लिए, उनके परिवार को दिलासा देने के लिए मौन धारण जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपना भी ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।